बेतिया पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान दो अपराधियों को बाइक, देशी कट्टा और एक अन्य हथियारों के साथ धर दबोचा है, जबकि तीन अपराधी भागने में सफल रहे। हालांकि भागने वाले तीनों अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम मोहम्मद खालिद अबरार आलम, जो कि वृंदावन थाना साठी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बेतिया की खबर है, जहां तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि बेतिया में इन दिनों आपराधिक जो ग्राफ है, काफ़ी ज़्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस लगातार रात्रि गश्ती कर रही है। लगातार इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाई है, जिसके तहत दो अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश हैं फोन लाइन पर। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही होगी, क्या कुछ अभी तक खुलासे हो पाए हैं पूछताछ के बाद? जी, पूछताछ हुई है, पूछताछ में तीन अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। जी, इनके पास एक मोबाइल और कीपैड वाला एक मोबाइल बरामद हुई है, जिसमें तीन अपराधी भागने में कामयाब हुए हैं, जिनको पहचान कर ली गई है। तमाम जानकारी के शुक्रिया आपका मुकेश। तो आपको बता दें कि इन अपराधियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है और पूछताछ के दौरान कुछ खुलासे होने की उम्मीद पुलिस भी बता रही है।